टिक टिक करती हुई एंटरटेनमेंट की ये घड़ी अब लेकर चल रही है आपको पॉपुलर फिल्म एंड टेलीविजन एक्टर दिलनास ईरानी के पास। इनके घर पहुंची है हमारी टीम सास बहू और बेटियां। तो क्या कुछ खास हो रहा है इनके इस होम वाले डे आउट में, लेकर चलते हैं आपको सीधा दिलनास के पास। ईरानी के घर की सैर, फिल्म कल हो ना हो की स्वीटू का अलग अंदाज। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है दिलनास ईरानी के घर पर बिताने उनके साथ पूरा एक दिन और साथ ही करने उनकी जिंदगी में ताका झांकी। जानेंगे दिलनास की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, कैसा है उनका सफरनामा, साथ ही दिलनास बनाएंगी ईरानी चाय और करेंगे उनके खूबसूरत आशियाने की सैर जो उन्होंने अपने हाथों से सजाया है। तो चलिए सीधा चलते हैं दिलनास के घर पर करने उनके साथ ये मस्ती भरा डे आउट। हेलो, हाउ आर यू? वैसे तो हम हमेशा घर के अंदर जाके बात करते हैं, लेकिन दिलनास के घर पे आए हैं तो हम उन्हें बाहर लाएंगे, क्योंकि एक ब्यूटीफुल सा पूरा उनका डोर भी सजा हुआ है। दिलनास, वंडरफुल इज दिस? सास बहू और बेटी आ, राइट? वेलकम वेलकम। भाई दिलनास ने अपने घर की सजावट की शुरुआत दरवाजे से ही की है, तो आइए दिलनास के घर में करते हैं एंट्री और करते हैं उनके खूबसूरत होम स्वीट होम की सैर। बहुत ही लाइफ को एक अलग अंदाज से जीना चाहती हूँ। हंसी मजाक खुशी जो भी है प्रॉब्लम्स, उसको दूर होके एक अच्छे से घर का माहौल बहुत पॉजिटिव और अच्छा होना चाहिए। दैट्स व्हाई माय ट्रेडिशनल रंगोली टू बिगिन विथ। सो ये हैप्पी बर्थडे इसलिए लिखा है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मेरी तिथि के हिसाब से, मतलब पारसी कैलेंडर के हिसाब से मेरा बर्थडे था, तो इसलिए हैप्पी बर्थडे। और ये रंगोली हमेशा रहती है, पारसी ट्रेडिशनल रंगोली से हम बोलते हैं चौक पुरवानो, यू नो, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सो छोटा मोटा कुछ भी एक रहता ही है, दिया या यू नो समथिंग ऑस्पिशियस। And as you can see, live well, laugh often, love much. That's my motto. And of course, Dilnaz Percy. Please, yes, yeah. Delcy. Please come in. अब जो है हम घर, I feel के बड़ा छोटा नहीं होता, it you make it a home. जैसे बोलते हैं ना, घर ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक होटल रूम में आते हो, घर पे आते हो, काम पूरे दिन की थकावट जो होती है वो मिटाने के लिए आप घर पे आते हो, और घर घर होना चाहिए। एंड वैसे ही मैंने रखा है, रिफ्लेक्शन ऑफ मी पर्सी, वी बोथ पुट टुगेदर। हमारे घर पे म्यूज़िक बहुत मायने रखता है बिकॉज पर्सी इज़ अ डीजे, तो मेरे घर पे पूरे दिन श्लोक्स चलते ही रहते हैं। आज क्योंकि थर्सडे है, आप लोग थर्सडे के दिन आए हो, तो साई बाबा के मंत्र चलते हैं। मेरे घर में पूरा दिन किसी फॉर्म ऑफ म्यूजिक चलता ही रहता है। एंड काफी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, प्लीज, एक्चुअली ये हाल ही में मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। शी नोज के मुझे बुद्धा बहुत पसंद है, तो उन्होंने मुझे ये वाटर बॉडी गिफ्ट किया है विद दीज लाइट्स। तो शाम को जब मैं सिर्फ ये लगा के शाम को जस्ट उनके सामने बैठती हूँ, मुझे बहुत पीसफुल लगता है। एंड ऑफ़ कोर्स एज यू कैन सी ऑल दीज क्यूरियोज, ये हर पारसी के घर में मिलेगा आपको, यू नो। ये इसके पीछे का जो राज है, कुछ कहानी होगी ज़रूर, कुछ कुछ से होंगे। फेंगशुई बोलो, जैसे लोग वास्तु में मानते हैं, फेंगशुई में मानते हैं, यू नो, सो एक घर की सजावट भी हो जाती है और एक लक के हिसाब से, लाइक टोटो इज सपोज टू बी वेरी लकी,
गैलपिंग हॉर्स इज सपोज टू बी वेरी लकी. तो हर एक चीज का एक साइंटिफिक मतलब भी है पीछे और एक घर को सजाने का जरिया भी है. तो आई थिंक मेरा हर नुक एंड कॉर्नर अगर आप देखें तो घर पे, अगर आप शाम को आते तो और भी बेटर, बिकॉज मैं वो लाइट्स और मूड के हिसाब से यू नो. दिलनाज हमें बताइए कि आपका फेवरेट कॉर्नर ऑफ द हाउस कौन सा है. मेरा फेवरेट कॉर्नर एक्चुअली ये है, यहाँ आप देख सकते हो ये पानी और थोड़े से चावल रखे, ये मेरा मिट्टू आता है इधर. इधर हमारे बिल्डिंग में बहुत, आजू बाजू के एरिया में भी बहुत पैरट्स है, तो यू नो सो दे कीप फ्लाइंग एंड कमिंग. एंड एक ऐसा पैरट है मिट्टू जो बिल्डिंग के हर घर में जाता है एंड जो उसे खाना पीना और मतलब परसी तो मजाक करता है कि काफ़ी लड़कीबाज है क्योंकि किसी आंटी के लैप पे बैठ जाएगा, अगर मैं बात करूँगी तो मुझे देखता रहेगा और एक्चुअली मैं मिट्टू बोलूँगी तो वो मिट्टू बोलेगा, लेकिन अगर परसी कुछ बोल रहा है तो काटने दौड़ेगा. तो इट्स वेरी फनी, वेरी अम्यूजिंग ऑल्सो. एंड आई फील इट्स नाइस टू वेलकम हिम. तो ये हमेशा उसके लिए पानी और थोड़ा सा कुछ मिर्ची विर्ची रख देते हैं. एंड ये मेरा कॉर्नर बड़ा ही फेवरेट है क्योंकि यहाँ मैं बैठकर चाय पीती हूँ, मेरी इवनिंग कॉफ़ी पीती हूँ एंड थोड़ी सी ग्रीनरी है बाहर. हालांकि मुंबई शहर में बिल्डिंग टू बिल्डिंग दिखती है, बट हमारे बिल्डिंग में काफ़ी ऐसी ग्रीनरी दिखाई देती है, बाहर काफ़ी खुला है. एंड एज़ यू कैन सी मुझे क्यूरियोस का बड़ा शौक है, मैंने कहा फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स का बेहद शौक है. आप देख सकते हो रोज़ेस है, ट्यूबरोज है, रजनीगंधा जिसे बोलते हैं, कार्नेशंस है और क्यूरियोस यानी कि मुझे ये एंजल्स, खास तौर पे एंजल्स का, एंजल्स रखना बड़ा अच्छा लगता है और कैंडल्स रखनी बड़ी अच्छी लगती है, तो कैंडल्स भी रखी है. And as you can see, there's a different set of flowers out here. Of course, this is sent to me by my brother from London, Porus or Persis, मेरे भाई और भाभी और बच्चों की तरफ से. ये कुछ ही दिन पहले, जैसे मैंने कहा तिथि का बर्थडे था, तो उन्होंने एक खूबसूरत सा बुके भेजा और वो 50 roses, क्योंकि मैं 50 साल की हो चुकी हूँ, ये पर्सी ने दिया था सुबह सुबह. और बाकी के सनफ्लावर्स हमारे फेवरेट फ्लावर्स हैं दोनों के, तो सनफ्लावर भी है. तो हर कॉर्नर कुछ बोलता है. यहाँ ये कॉफ़ी टेबल है जहाँ बैठ के हम लोग यू नो शाम को डिनर करते हैं, बातचीत करते हैं. तो इट्स नाइस एंड आई लाइक टू कीप शिफ्टिंग माय फर्नीचर व्हिच इज़ वेरी, जैसे बोलते हैं ना, यूज़र फ्रेंडली. तो आप मानोगे नहीं, मतलब मैं और एक कोई मुझे हेल्प मिल जाए तो पूरा घर का नक्शा मैं बदल सकती हूँ. एंड कभी टेबल इधर हो जाती है, कभी सोफ़ा सेट इधर हो जाता है. तो इट्स नाइस टू कीप शिफ्टिंग एनर्जीज एंड हैविंग अ गुड टाइम विथ वॉट एवर यू हैव इन द हाउस. अब मैं आपको ले चलूँगी काफ़ी, जब मैं रील्स बनाती हूँ तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं ये कौन है फ्रेम में. ये हमारे प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज़रथुष्ट्र. ये ज़ोरास्ट्रियंस हम लोग हैं, पारसी ईरानीज, हमेशा उनके घर पे ये हमारे प्रॉफिट है. उनका फ़ोटो फ्रेम या उनकी छोटी सी कुछ छवि तो आपको ज़रूर मिलेगी. और जैसे कि आपने ये कॉर्नर भी देख रहे हो आप, यहाँ भी एक सेक्शन है जहाँ मैंने छोटे छोटे क्यूरियोज रखे हैं. समथिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू ऑल, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कमाल की चीज़ है ये. ये ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी होगी, मुझे एग्जैक्टली अंदाज़ा नहीं है,
बट ऑलमोस्ट 200 साल पुरानी एक कैबिनेट, ये शोकेस होगा जो मेरे नानी ने मुझे गिफ्ट किया. नाउ व्हेन माय नानी एक्सपायर्ड, शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट 98, तो ऑलमोस्ट 100 इयर्स की तो मेरी नानी थी. उनकी मम्मी का ये है जो उन्होंने इनहेरिट किया और मेरी नानी ने मुझे दिया, जो मैंने ये शोकेस. और हमेशा आप देखते हो कितना स्ट्रॉन्ग वुड है, और ये कुछ भी मैंने नहीं किया है, बस थोड़ा सा पॉलिशिंग करती रहती हूँ और एकदम क्लीन रखती हूँ उसे. एंड अंदर एज यूजुअल कुछ फ्रेम्स है, कुछ कुछ एंजल्स है अगेन, एंड कुछ फोटोज़ है. अरे बहुत बचपन की ये फोटो है, ये मैं काफ़ी, मेरा फर्स्ट फोटोशूट होगा ये, कहीं करीबन 94-95 का फोटोशूट होगा ये. एंड ये मेरी कल होना हो कि 25वीं सिल्वर जुबली की ट्रॉफी है. वो नीचे जो है, आई थिंक ओके दिस साइड, ये वाला, ये मैंने रियलिटी शो जरा नच के देखा, जो गर्ल्स जो विनिंग टीम थी उसकी ट्रॉफी है. तो काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं. एंड आई फील दैट लाइक आई सेड, घर बड़ा या छोटा नहीं होता. घर को अगर उसमें वॉर्म्थ है, उसमें प्यार है, उसमें आपकी झलक है, तो आई थिंक वो आप एकदम सुंदर बना सकते हो और बहुत सुकून से रह सकते हो. भाई बात इशाते तो बहुत हो गई और घर की सैर भी कर ली, अब बारी है गर्मा गर्म चाय पीने की. भाई जल्लाज ने सास बहू और बेटियां और उनके दर्शकों के लिए खास बनाई ये ईरानी चाय. शाम की चाय मुझे बहुत पसंद है. एंड काफ़ी बार आई थिंक मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में मैंने आपको इंटरेस्टिंग ईरानी चाय बना के दिखाई भी है, लेकिन आज खास ये ऑडियंस के लिए. चलिए, ये पानी जब उबलेगा तब थोड़ा सा लेमन ग्रास एंड थोड़ा सा मिंट. अब आप सोचोगे कि पुदीना डलता है क्या चाय में, तो डलता है. दिस इज द ईरानी चाय दैट आई एम गोइंग टू बी मेकिंग. एंड ये थोड़ा सा हमने इसमें मिंट डाल दिया, ये है लेमन ग्रास. अब ये उबालेंगे, अच्छी तरह से उबलेगी चाय. एंड नाउ आई एम पुटिंग लिटिल अदरक इन दिस. मैंने थोड़ी सी कटी हुई कूटी हुई अदरक डाल दी है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू पुट सम शुगर. इसमें कोई अभी ऐसे नहीं करेंगे कि शुगर फ्री या नो शुगर. इसमें थोड़ी सी शक्कर जाएगी. एंड we'll put some chai patti. ये वो mixed herbs वाली चाय पत्ती है. And again we will just boil it well. उसको उबालते हैं चाय को अच्छी तरह से, ताकि सारे ingredients जो है mix हो जाए अच्छे से. तो हमने डाला है पुदीना, लेमन ग्रास, अदरक, चाय पत्ती एंड शक्कर. थोड़ा सा दूध एंड ये अच्छे से हम बॉईल कर देंगे. लेट्स बॉईल इट नाइसली. अब मनोज इसको उबलने दो और उबल जाए, अच्छी सी पक जाए, उसके बाद मनोजी अच्छे से कप्स में डाल के ट्रे में लेकर आएगा. सो दैट्स आवर ईरानी चाय व्हिच इज ऑलमोस्ट रेडी. अब सब लोग, पूरी टीम चाय पिएगी. सो दिस इज आवर ईरानी चाय.
शक्कर थोड़ी सी कम है जैसे मैंने कहा, लेकिन परफेक्ट है, बहुत फाइन, वेरी टेस्टी। डेलास को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत जब वो कॉलेज में थी तब की। उन्होंने शुरुआत की टीवी शोज से, काफी सारे अलग अलग किरदार निभाए और फिर उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। कल होना होगा स्वीटू का किरदार काफी पॉपुलर रहा। और उन्हें काफी पॉपुलैरिटी भी मिली। इसके बाद वो करने लगी कॉमेडी रोल्स भी और हाल ही में वो नजर आई थी सीरियल कभी कभी इत्तेफाक से में गोली बुआ के किरदार में। आइए डेलास से ही जानते हैं उनके सफर की कहानी उन्हीं की जुबानी। और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ बातें कही और साथ ही बताया उनके स्ट्रगल के बारे में भी। मेरी जर्नी इंडस्ट्री में काफी यंग एज से शुरू हुई एंड आई एम ब्लेस्ड क्योंकि आई थिंक अगर आपने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लिया तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। तो मुझे एक्टिंग पहले से ही काफ़ी पसंद थी, एक्टिंग करना, यू नो, स्टेज पे परफॉर्मेंस, जैसे एलोक्यूशन है, ड्रामेटिक्स है, स्कूल कॉलेज के दिनों से मुझे बड़ा पसंद था। एंड आई फील के मुझे पता था क्योंकि मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, like not so good, not so bad, I would pass with good grades, but yeah, with my extracurricular activities I was really really very good and I knew that kahin na kahin mujhe isko aage leke jana hai, aage badhana hai. Meri hobby thi wo, dancing and performances on stage and stuff like that. So I think kahin na kahin mujhe pata tha ki ye isko main aage leke jaungi, lekin zariya mujhe nahi pata tha. एंड जैसे मैं परफॉर्म करते गई, मुझे मुझे याद है अभी भी कि मैं जस्ट स्कूलिंग मेरी चल रही थी, टेंथ में थी मैं, और तब मैंने एक ऐसे बहुत बड़े इंटर स्कूल एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया था जहाँ हमारे लेट पद्मश्री श्री दिन्यार कॉन्ट्रैक्टर जी थे जो जो चीफ गेस्ट थे वहाँ। एंड उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा तुम मेरे साथ थिएटर करोगी, प्लेस करोगी? तो मुझे तो हाँ बोलना था लेकिन मेरी मम्मी ने बोल दिया नहीं नहीं अभी तो वो पढ़ाई करती है, अभी तो उसको बहुत पढ़ना है, अभी तो कॉलेज जाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो पढ़ाई हो जाए उसके बाद बता देना। अगले साल ही उन्होंने मुझे वापस कॉल किया कि मैं एक प्ले बना रहा हूँ और बहुत अच्छा रोल है एंड आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू इन दैट प्ले। एंड दैट प्ले वॉज विथ अनंत महादेवन द एक्टर, एंड आज तो वो बढ़िया डायरेक्टर बन चुके हैं, एंड रोहिणी हतांगड़ी जी। तो उस प्ले का नाम था खिटी खिटी बैंग बैंग एंड दिन्यार कॉन्ट्रैक्टर जी डायरेक्ट कर रहे थे उस प्ले को, इंग्लिश में था वो प्ले। एंड आज भी मुझे याद है कि काफ़ी लोगों ने दिन्यार जी से पूछा ये कौन नई लड़की आपने इंट्रोड्यूस की है। तो मेरा स्टार्ट इंडस्ट्री में वहाँ से हुआ। एंड प्लेस करते करते कहाँ मुझे टीवी का ऑफर मिला मुझे पता ही नहीं चला। एंड जैसे ही कॉलेज फिनिश किया मुझे टीवी के ऑफर्स आते गए। एंड मेरे मेंटोर जो टीवी का जो पहला मेरा स्टिंट था टीवी में, वो एक काउंटडाउन शो था जिसका नाम था कोलगेट टॉप 10।
अशोक सराफ जी थे, रीमा जी थी, रीमा लागू जी, एंड राकेश बेदी वॉज प्लेइंग माई हस्बैंड, एंड राजन वागदरे जो बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर कॉमेडी के डायरेक्टर है, उन्होंने काफ़ी सारे शोज़ किए, श्रीमान श्रीमती, यस बॉस, एंड बहुत सारे शोज़। तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि तुम ये शो करोगी, तो आई वॉज़ लाइक हाँ क्यों नहीं, एंड दैट्स वेन आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, आशीर्वाद, सजन तुम झूठ मत बोलो, यस बॉस, एंड एंड मैनी 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 मोर, सोन परी एंड आई डोंट नो वॉट, एक महलो सपनों का, एंड पता नहीं द जर्नी स्टार्टेड एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मीनवाइल उस बीच में पर्सनल बोलूँ तो शादी भी हो गई और काफ़ी सारे साल यू नो हम इस तरफ आ गए, यू नो मैं टाउन की लड़की थी, मलाड आ गई, यहाँ रहना शुरू किया एंड काफ़ी सारे साथ में अच्छे अच्छे शोज़ किए, जैसे नच बलिए हो गया, मैंने एक डांस रियलिटी शो किया ज़रा नच के दिखा, तब तक लोगों को पता ही नहीं था कि मैं डांस भी करती हूँ, यू नो, एंड जब लोगों ने मुझे नच बलिए और ज़रा नच के मैं देखा तो उन्होंने बोला बाप रे आप इतनी बॉडी होकर भी आप नाच लेती हो, तो आई एम लाइक या, सो इट वॉज अ शॉकिंग थिंग फॉर देम, बट मेरे लिए मेरी जैसे मैंने कहा कि डांसिंग वॉज माई पैशन माई हॉबी, मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था टू परफॉर्म फॉर अ डांस रियलिटी शो एंड काफ़ी आगे तक गए एंड उस बीच में फिल्म भी हो गई, कल हो ना हो वॉज माई फर्स्ट फिल्म, फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म, बिग फिल्म विथ सच बिग स्टार्स विथ सच अ बिग प्रोडक्शन, एवरीथिंग वॉज सो लवली अबाउट कल हो ना हो दैट आज तक लोग 20 साल होने को आए स्वीटू को भूले नहीं हैं एंड आई एम सो 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 थैंकफुल फॉर दैट। पर्सनली बहुत कुछ चीज़ें हो गई, कुछ साल अच्छे गए कुछ साल इतने अच्छे नहीं गए, डिवोर्स भी हो गया, मैंने ये नया घर लिया, उस बीच में इस घर को सजाया और यहाँ शिफ्ट हो गई एंड इट्स बिन आई वुड जस्ट से कि बहुत ही वंडरफुल जर्नी विद अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स एंड नो रिग्रेट्स, बस सिर्फ जैसे मैंने कहा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि जो भी हो लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा हंसते हंसते ज़िंदगी को गुजारना चाहिए एंड दैट इज़ माई मोटो एंड दैट इज़ हाउ आई हैव लिव्ड माई लाइफ। तो बस और फिर बिग बॉस एंड बिग बॉस के बाद और सीरियल्स एंड मैनी मोर सीरियल्स लाइक जमाई राजा, अकबर बिरबल, एक दीवाना था, सम मोर थिएटर एंड मैं एक थिएटर ग्रुप जो दिल्ली में बहुत ही पॉपुलर है फेलिसिटी थिएटर, उनके साथ जुड़ गई और उसके बाद कभी कभी इत्तेफाक से आफ्टर द लॉकडाउन, सो माई जर्नी हैज़ बिन आई थिंक बाय फार वंडरफुल। अगर लोग बोले कि आपने स्ट्रगल किया तो हाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया, इमोशनली मैंने बहुत स्ट्रगल किया एंड आई फील के समवेयर मेरी स्ट्रेंथ मेरी जो पॉजिटिविटी है जो इंटरनल शक्ति है उसने मुझे इतने साल तक एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल बनाए रखा एंड आप लोगों का प्यार, फैंस वर वेरी इम्पॉर्टेंट एंड दे ऑलवेज गिव मी लव फॉर ऑल माई शोज। एक पॉइंट आया आफ्टर कल हो ना हो, आई गॉट ऑल दोज काइंड ऑफ रोल्स ओनली, स्वीटू के बाद हनी, हनी के बाद यू नो हनी ऑफ मिलेंगे मिलेंगे बोल दो या पेइंग गेस्ट बोल दो या दिल ने जैसे अपना कहा बोल दो, सिमिलर काइंड ऑफ रोल्स आए जो कॉमिक थे, जो कॉमिक रिलीफ देता है, जो कैरेक्टर ऐसे थे कि कॉमेडी 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 कॉमेडी, और एक पॉइंट आया आई थिंक पोस्ट बिग बॉस ओनली आई रियलाइज दैट आई थिंक नाउ आई शुड शिफ्ट गियर्स, क्योंकि बहुत कर लिया मैंने कॉमेडी और बहुत, अब मैं अगर लोगों को बोलूँगी नहीं कि मुझे कुछ और भी करना है तो
तो कितने टाइम तक आप वही चीज़ करते रहोगे? एंड एज अ पर्सन ऑल्सो, जब मैंने शुरू किया था मेरा करियर, मैं कुछ 18 या 20 साल की थी. एंड जब मैंने मूवी की, आई वॉज प्रॉबली इन माई लेट 20s और अर्ली 30s. टुडे आई एम 50. सो आई थिंक आई कैन नॉट कीप प्लेइंग स्वीटू, यू नो. आई हैव टू शिफ्ट गियर्स एंड आई हैव टू प्ले समथिंग विच इज़ डिफरेंट, विच ऑल्सो प्रूव्स के एज अ पर्सन आई हैव बिकम वाइजर, आई हैव बिकम अ बेटर एक्टर, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर, आई वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट. Post Big Boss, because of my personal trauma, I was getting into a shell where I was just doing whatever came my way, you know. And that's when Percy said ke, you know, zindagi aapka sirf divorce hua hai, zindagi khatam nahi hui hai, you know. And he was with me like a rock through all the tough times. And he made me understand ki, you know, abhi tum kuch alag karo, even in your profession do something different. And I got a lot of support and a lot of strength from Percy also. And here I am doing different roles. To dekha aapne, kuch aisa hai Dallas ka safar. उम्मीद है आपने डेलनास के बारे में जानी होंगी कई सारी बातें, और वो जल्द ही करेंगी वापसी एक नए किरदार में अपने दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए. थैंक यू सो मच कि आप लोग आए, आप लोगों ने इतनी बातें की, काफ़ी खुलकर मैंने भी बातें की, आपको चाय भी पिलाई, तो बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग मी एंड माई होम. एंड आते रहिएगा. एंड टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ सास बहू और बेटियाँ, गुड विशेज, गुड लक. कुछ तो होगा ही पाइपलाइन में डेफिनेटली. एंड आई एम होपिंग के यू नो जल्दी आप लोगों से किसी सेट पे मुलाकात होगी जरूर. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.